नेपाल में भारत में घुसपैठिए की एंट्री। बॉर्डर पार कर आई पाकिस्तान से आफत। जिसने उड़ा रखी है देश के किसानों की नींद। हमारे यहाँ नरमा की फसल थी, टिड्डियों का दल आया अचानक से। हमने बहुत कोशिश की बचाने के लिए, बाजते बाजते टिड्डियों ने हमारे पूरा नरमा की फसल आगे चौपट कर दिया हुआ। वो अकेले नहीं, लाखों के झुंड में अटैक करते हैं। कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन लिया जाए कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। वो पलक झपकते ही फसलों को चट कर जाते हैं। ये टिड्डियां हमने हाथ में पकड़ रखी है, हमारे नरमे की पूरी 100% फसल है वो बर्बाद हो गई, किसान हम बर्बाद हो गए। कोरोना काल में अन्नदाता का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से जंग लड़ रहा है, तब भारत के कई राज्यों में एक और हमला हुआ है। और ये हमला कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए एक अदने से घुसपैठिए ने किया है, जो बिना इजाजत लाखों करोड़ों की संख्या में झुंड बनाकर देश में घुसपैठ कर चुकी है। भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से टिड्डियों ने हमला कर दिया है और ये दल अब यूपी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसने हमारे अन्नदाता की मुसीबत को बहुत आगे बढ़ा दिया है। और ये टिड्डी अन्नदाता की दुश्मन साबित हो रही है। ये तबाही फैलाने वाला वो दुश्मन है जो दिखता तो छोटा सा है, लेकिन जब ये बर्बादी करने पर उतरता है तो सरकार से लेकर प्रशासन सबके होश उड़ा देता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई ये वो आफत है जिसने सीधे अन्नदाता के पेट पर अटैक किया है। जी हाँ, कोरोना वायरस से पूरा देश पहले ही बेहाल है और अब टिड्डियों की मुसीबत ऐसे गले पड़ी कि सरकार की भी नींदें उड़ी। सैकड़ों हजारों में बल्कि लाखों की तादाद में टिड्डी दल ने रात के स्याह अंधेरे में बॉर्डर पार से घुसपैठ की, तो ये देखकर हर कोई सन्न हो गया। किसानों का ये दुश्मन गोली से नहीं डरता, बल्कि लोग इस टिड्डी ब्रिगेड को थाली और ड्रम पीटकर भगाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन ये जिद्दी और गुस्ताख टिड्डियों का झुंड टस से मस नहीं हो रहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लाखों हेक्टेयर फसल और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब टिड्डियों का ये दल उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ को तैयार है। इस वक्त टिड्डी के दो दल सक्रिय हैं। पहला दल एमपी के पन्ना से आगे बढ़ रहा है, जिससे यूपी के महोबा, बांदा और चित्रकूट को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा इनसे सटे हुए जिले हमीरपुर, प्रयागराज और फतेहपुर सीकरी को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जबकि टिड्डियों का दूसरा दल मध्य प्रदेश के मुरैना से यूपी की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आगरा में एंट्री लेने वाला है। कृषि विभाग का कहना है कि ये टिड्डी दल फतेहपुर सीकरी से होकर आगरा में प्रवेश कर सकता है। टिड्डी दलों के हमले को लेकर आगरा और मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इटावा और फिरोजाबाद प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश है। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए नगर निगम ने कीटनाशक छिड़काव की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को बड़े टिड्डी दल ने अपना रुख धौलपुर आगरा की तरफ कर लिया, जबकि एक छोटा दल मध्य प्रदेश के शिवपुरी के इर्द गिर्द आसमान में देखा गया। टिड्डी के इस दल से निपटने के लिए आगरा में कृषि विभाग ने 205 ट्रैक्टर तैयार कर लिए। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को एमपी से होता हुआ पहला टिड्डी दल झांसी पहुंचा था। जैसे ही इन टिड्डी दलों ने डेरा जमाना शुरू किया, उन पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे लगभग 40 लाख टिड्डियां मारी गई थी, जबकि बचे हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर की तरफ उड़ गए थे।
किसान इन टिड्डियों से बचने के लिए हर इंतजाम कर रहे हैं। खेतों में धुआं करके टिन और ड्रम बजाकर इन टिड्डियों को भगाया जा रहा है, क्योंकि तेज आवाज सुनकर ये टिड्डी दल आगे बढ़ जाता है। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों पर रसायन के छिड़काव के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई। लेकिन इस अन्नदाता के इस सबसे बड़े दुश्मन का खतरा बरकरार है। पाकिस्तान से आई इन घुसपैठी टिड्डियों ने कोहराम मचा दिया है। टिड्डियां सीधे तौर पर इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, ना ही उन पर हमला करती है, लेकिन इस छोटे से उड़ने वाले दुश्मन से किसान बेबस हो जाता है और उस पर मार दोहरी पड़ती है। यानी आप खुद समझ सकते हैं कि टिड्डियां किसानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल भारत में टिड्डियों की घुसपैठ पाकिस्तान से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई, जहां से टिड्डियों के ये झुंड यमन पहुंचा और फिर ईरान से होते हुए अप्रैल के महीने में पाकिस्तान जा पहुंचा था। पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद राजस्थान और गुजरात के रास्ते टिड्डियों का ये दल, ये झुंड भारत में दाखिल हो गया और अब उत्तर भारत में तबाही मचा रहा है। हवा में उड़ती टिड्डियां, फसलों पर चिपकी टिड्डियां, दीवारों पर बैठी टिड्डियां, पेड़ के तने तक नहीं दिख रहे, दिख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ टिड्डियां। लाखों करोड़ों की संख्या में उड़ते टिड्डियों के ये दल किसानों के लिए आतंकवादियों से कम नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में इन टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ है। पेड़ पौधों के पत्ते हो सब खा जाते हैं, कुछ ही घंटों में पूरी फसल चट कर जाते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। 100 से 150 किलोमीटर प्रतिदिन ये मूव कर जाते हैं। तो अभी एक टिड्डी दल आया था दौसा तक, तो इसलिए जनपद आगरा में अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वो मात्र 150 किलोमीटर आगरा से दूर है, तो इसलिए हमने जनपद में अलर्ट जारी किया था कि सभी लोग सावधान हो जाएं। भारत में सीरियल अटैक करते टिड्डियों के ये दल ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचे हैं।